स्वतंत्र ड्राइव जरिया रे टीकाकरण रे विभिन्न वर्गों को शामिल करिछि बीएमसी ही प्रक्रिया को सोमवार अधिक व्यापक करा जिवो 18 रु 44 वर्ष वयस वर्गों को मध्य रे टीकाकरण को नै चिंता बढिछि सोमवार बा मंगलवार थारु अग्राधिकार और प्राथमिकता भितिरे डोज सह स्लॉट बुकिंग करा जिवो राज्य सरकार को निर्देश अनुसार खूब शीघ्र समस्त को टीकाकरण रे शामिल करा जिवो सोमवार थारु ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ऐप माध्यम रे बुक करि परिबे ओ तहार व्यवहार संपर्क सूचना दिया जिवो 1929 नंबर रे कॉल करी ए संपर्क रे सूचना पाई परिबे एथि पई स्वतंत्र व्यक्ति विशेष को तालीम इति मध्य रे दिया जाई छि वर्तमान बीएमसी पक्षरु 100 टी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचि छि आवश्यक स्थले ई संख्या वृद्धि करा जिवो रोगी को संपर्क रे संपर्कियों को तथ्य जगाइबा को हेल्प डेस्क स्थापन करा जाई छि गोटे सप्ताह रे आमे गुड़ाए जो वल्नरेबल लोक माने रही छंती जो माने ओल्ड एज रे रही छंती जो माने शेल्टर होम्स रे रही छंती से माने को आमे कवर करी छे मु आज आपण मन को कहबा कुछ आपण मन को माध्यम रे मु समस्त को जणेबा को चाहे कि सोमवार थारू आमे इंटेंसिव कैंपेन करी कि सोमवार बा मंगलवार थारू इंटेंसिव कैंपेन करी कि जो माने 18 रु 44 वर्ग रे जो माने प्रथम डोज नहीं छंती तांकू अग्राधिकार भाव रे तांकू ठीक समय रे सेकेंड डोज दिया जिवो एवं ता छड़ा जो माने 18 रु 44 वर्ग रे जो माने रही जाई छंती एवं जो माने की फर्स्ट डोज नहीं नहंती तांकू मध्य तांकरो वैक्सीनेशन पाई मध्य आमे कार्यक्रम आरंभ करिवू स्लॉट बुकिंग आरंभ करिवू द्विती कृष्ण भई आम प्रतिनिधि रही संपर्क में अधिक सूचना सहित द्विती बीएमसी एरिया रे जो माने भी टीका नहीं पूर्वर कि आग को टीका नेबा पे अपेक्षा करिछंती वर्तमान पर्यंत स्लॉट बुक करि पारि नाहंती आउ थरे समान उठे विस्तृत भाबे बुझै दियंतु तो से माने आपनको कथार आश्वस्ति लाभ करिवे देखंतु गत दुई तीन दिन धरे कि आम भितर जो द्वंद्व थिला एवं साधारण लोकंक मन रे जो प्रश्न थिला जे टीका मिलिबो कि नाही वर्तमान बीएमसी कमिश्नर संजय सिंह ताकू पूरा क्लियर कले एवं वर्तमान सोमवार किंवा मंगलवार ठू पूरा व्यापक भाव रे आउ थरे टीकाकरण आरंभ हबो पूरा धीमे जाइछे वर्तमान एवं व्यापक भाव रे आरंभ हबो तार अर्थ होउछि जो माने 18 रु 44 वर्गर द्वितीय टीका पय अपेक्षा करिक रहि छथि माने समस्त द्वितीय टीका पाइबे माने एमानक संख्या होउछि 163,000 समथिंग एई पाखा पाखे किछि किंतु 163,000 ए समस्त नागरिक द्वितीय टीका सुरखुरे पाइबे ता भितरे पुनी दुईटी कैटेगरी अछन्थि जो माने स्लॉट बुक करिछन्थि एवं मोबिलाइजेशन सेंटर रे देइछन्थि माने बीएमसी ए 163,000 नागरिकक भितरु किछि लोकंकु डाकिकी स्लीप आकार रे तांकु टीका देइथिला से माने स्लॉट बुक कर नथिले एवं किछि नागरिक स्लॉट बुक करिकि टीका नैथिले ए समस्त संख्या मिसिकि 163,000 एवं से माने पूरा सुनिश्चित रहबा दरकार आश्वस्तिकर कथा बीएमसी कमिशनर मध्य स्पष्ट कले समस्त टीका पाइबे ये गला गोटे कथा एवं द्वितीय कथा होची 1844 वर्ग प्रथम टीका नवा पई प्रकृत रे टीका अवेलेबल हबो कि नै ये मध्य गोटे बड़ प्रश्न थिला जो माने स्लॉट बुक करूचोंदी प्रथम टीका पई किन पारु नाहंदी मानको मध्य पूरा क्लियर जे समानकर मध्य टीकाकरण आरंभ हबो तेनु दुईटी टीकाकरण वर्तमान आरंभ हबो 1844 प्रथम वर्ग रे नागरिक टीका नेबे द्वितीय डोज पई मध्य टीकाकरण आरंभ हबो ता सहित जेमिति 45 प्लस चालुला उपरवाला सेमती मध्य चलो जो क्या गुड़िक रही तेणु कोवैक्सीन या पूर्व आम जानते कमिशनर कही 7 कि 8 तारीख कोवैक्सीन आसिक पहुंची जीव हुए तो आज किंवा काली आसिक कोवैक्सीन पहुंची गले पहुंची जीव से बीएमसी पुणी आ गोटे पुणी मैप प्रस्तुत कर तो से ही आधार में भुवनेश्वर समस्त टीका पाइबे मनोज ए पर्यंत भुवनेश्वर में 2,00,000 लोक एमती अच्छा जो मैंने टोटल वैक्सीनेटेड मानने ସେମାନେ ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 7,00,000 ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଟୀକା ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍କୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ସେସନ୍ଟା ଚାଲିବ ପାଖାପାଖି 10-20 ଦିନ କିମ୍ବା ମାସେ ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ୍ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶୁଭଙ୍କର ସୂଚନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀବାସୀ ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ପାଇଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି 1,50,000 ଲୋକରୁ ପାଖାପାଖି 8-10,00,000 ଲୋକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ୍ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ଆଉ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବାର ଚାନ୍ସଟା ବହୁତ କମିଯିବ କାରଣ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବି ବଢ଼ିଲା
ତା ସହିତ ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସକୁ ମାନିବେ। ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଉ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛି, ସେ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଖସି ଆସିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ କରାଯାଉଛି ଇଏ ମଧ୍ୟ କମେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଜୁନ୍ 17ରୁ ହୁଏତ ଆଉ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇ ନ ପାରେ। ଆଜି ହେଲା 5 ତାରିଖ, ଆଉ 12 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ କରାଗଲା ତାହେଲେ ହୁଏତ 17 ପରେ ଆଉ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇ ନ ପାରେ, ସେ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ବହୁତ କମି ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଶା କରିବା କି ସମସ୍ତେ ଟିକା ନେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବିଏମ୍ସିର ଯାହା ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଅଛି ସେ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିବା। ବିଲକୁଲ ଦୂତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏ ଖବର ଶୁଣୁଥିବେ ବିଏମ୍ସି ଏରିଆରେ, ସେମାନେ ନିହାତି ରୂପେ ବୁଝିଯାଇଥିବେ ଯେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି, କିଭଳି ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜରେ ଟିକା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, କିଭଳି ସମସ୍ତେ ଟିକା ନେଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସୋମବାରଠାରୁ ଏହା ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ହେବ।